दो सलामी बल्लेबाज गुलू बारिक। गुलू बारिक लुटू वॉरियर्स के स्ट्राइक बॉलर। फिर दोबारा ये गेंद कहां चली, चौका के गली, पहला बाउंड्री। डीजे रिंकू सिंह की आवाज। और एक बार गुलू बारिक टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ गेंद आता हुआ शॉट फैलने की दिशा पर पीलू परीडा फील करते हुए स्कोर बोर्ड पे 5 रन और ये 7 ओवर का मुकाबला। पहला मुकाबला जीता वेस्ट क्रोम केंदुझर, दूसरा मुकाबला जो टीम यहां पे विजय प्राप्त करेगा वो भिड़ेगा केंदुझर के साथ, मजा आएगा सेमीफाइनल मैच नंबर 1 इसके बाद। लेकिन ये मुकाबला डू और डाई, बल्ले और गेंद का कोई संजोग नहीं। गुलू बारिक का ये सीजन आप जब उठाकर देखेंगे लाभदायक गेंदबाजी किए हैं, अनुशासन भरा गेंदबाजी किए हैं। सामने पीलू मिस फील्ड, विकेट कीपर से मिस होता हुआ और ये बाय चौका। आपको बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट मानी टॉप फैन आम जो जाइए लकी पशी से आम बहुत ख्याल रखीदे मो बहुत जगह जाइए टूर्नामेंट कवर करने जितु भाई पिला मुझे देखनी बहुत बहुत धन्यवाद जितु भाई। पुनः आते हुए गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। और जब आप लुटू वॉरियर्स को याद करेंगे पूना एक परमानेंट प्लेयर एक समय के लिए थे और बहुत समय के बाद हुआ। लेकिन आपको बता दूं कल चंदन फाइटर थर्मल कालचे के तरफ से यहां पे नजर आएंगे गुड़ी 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 को देखिए आप भूल में नहीं। इस बार दिशाहीन गेंद अंपायर के लिए वाइट बॉल और इस वाइड के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन पर। बल्ला घुमा है लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पे लकी जो की स्ट्राइक पर और स्ट्राइक एंड पर पीलू। बाउंड्री आता हुआ लकी के बल्ले से यज्ञसरल चौका।
Yeah.